डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 एंड थ्योरम 1.7। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरम 1.5। लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय q, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि सपोज x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो x को हम p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q को प्राइम होंगे, यानी कि उसका HCF 1 होगा। और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो वो हमें 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m के फॉर्म में मिलेगा, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रेशनल नंबर ले रहे हैं 11/100। ठीक है, इसे हम p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सो p by q इज इक्वल्स टू 11/100। ठीक है, तो देखिए यहां पर p और q को प्राइम है। ठीक है, यहां पर HCF 1 मिल रहा है। अभी हम करते हैं 11/100। ठीक है, तो देखिए यहां पर डिवीजन नहीं हो सकता, तो यहां पर हम पीछे जीरो रख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0. नाउ 100 वनजा 100, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अभी देखिए फिर से डिवीजन नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम फिर से जीरो रख देते हैं, पॉइंट पहले ले लिया है। सो नाउ फिर 100 वनजा 100, सो माइनस 100, 100 माइनस 100 0, यानी कि यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए q की वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 100 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 = 10 0, 50 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 = 4 2 5 = 10, 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि 100 के फैक्टर्स हमें क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां पर देखिए 2 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। इसे हम 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m से इक्वेट कर देते हैं, सो n क्या मिलेगा 2 और m भी क्या मिलेगा 2, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यानी कि ये देखिए यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ, p और q को प्राइम है, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m के फॉर्म में मिल रहा है, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, समझ आया, तो अभी देखते हैं थ्योरम 1.6। लेट x इज इक्वल्स टू p बाय q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स। ठीक है, यानी कि सपोज x इज इक्वल्स टू p बाय q कोई रेशनल नंबर है, जिससे कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m के फॉर्म में मिल रहा है, जहां पर n और m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो x जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। यानी कि ये इससे बिल्कुल उल्टा है, तो इसे भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम
रेशनल नंबर ले रहे हैं 3/10, ठीक है। अभी देखिए, इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, so p by q is equals to 3/10, ओके। तो q की वैल्यू क्या हुई, 10, ठीक है। 10 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो 10 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 10, 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, so 10 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 multiply by 5। इसे अगर हम 2 raise to n मल्टीप्लाई बाय 5 raise to m से इक्वेट करें तो हमें n इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 और m इज इक्वल्स टू मिलेगा 1, ठीक है। अभी देखिए, ये n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अभी हम करते हैं 3 divided by 10, ठीक है। तो देखिए, यहां पर डिवीजन नहीं हो सकता, तो यहां पर हम 0 रख देते हैं, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 0 पॉइंट। नाउ 10 3 30, सो 30 minus 30 0। तो देखिए, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, हमने एक रेशनल नंबर लिया जो p by q के फॉर्म में है, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें प्राइम फैक्टर 2 raise to n multiply by 5 raise to m के फॉर्म में मिल रहे हैं, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं थ्योरम 1.7। लेट x इज इक्वल्स टू p by q, वेर p एंड q आर को प्राइम, बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raise to n multiply by 5 raise to m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। यानी कि suppose हमने कोई rational number x लिया है जो कि p by q के form में है, और p और q को prime है, यानी कि उसका HCF 1 है, तो q का prime factorization करने से आंसर हमें 2 raise to n multiply by 5 raise to m के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, जहां पर n और m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो x का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट रेशनल नंबर x इज इक्वल्स टू 3/11, इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, so p by q is equals to 3/11। अभी देखिए, ये p और q को प्राइम है, इसका HCF हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अभी q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, q की वैल्यू है यहां पर 11, तो 11 तो एक प्राइम नंबर है, so उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 11 multiply by 1, ठीक है। तो इसे हम 2 raise to n multiply by 5 raise to m से इक्वेट नहीं कर सकते, ओके। अभी देखिए, यहां पर हम कर रहे हैं 3/11, ठीक है। तो पहले तो डिवीजन नहीं हो सकता, तो यहां पर 0 लिख देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, 0 पॉइंट। नाउ 11 2 22, 10 minus 2 8, 2 minus 2 0, फिर से यहां पर डिवीजन नहीं होगा तो 0 लिख देते हैं, पॉइंट पहले ले लिया है। नाउ 11 7 77, 10 minus 7 3, 7 minus 7 0, फिर से डिवीजन नहीं होगा तो यहां पर 0 लिख देते हैं। नाउ 11 2 22 minus 22, 10 minus 2 8, 2 minus 2 0, डिवीजन नहीं हो सकता, फिर से 0 लिख देते हैं। नाउ 11 7 77, 10 minus 7 3, 7 minus 7 0। तो देखो, बार बार यहां पर क्या रिपीट होगा, 0.272727, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है,
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.27 बार। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों रिपीट हो रहा है 27 27 27। ठीक है, यानी कि अभी देखिए यहां पर x कोई रेशनल नंबर था जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में था, और p और q को प्राइम है। q का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें 2n × 5m के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, और उसके बाद हमने इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देखा तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।